फगवाड़ा दे अधीन आउंदे पिंड संगतपुरा विचों लंघदी नहर विच इक व्यक्ति की लाश मिलन तो बाद सनसनी फैल गई। मीडिया नाल गल करदे संगतपुरा दे सरपंच हरदीप सिंह ने दस्सिया कि कुछ पिंड वासियां ने उन्हां नूं इस लाश संबंधी सूचना दित्ती सी कि नहर विच इक व्यक्ति की लाश तैर रही है, जिस तों बाद उन्हां ने संबंधित थाणा रावलपिंडी की पुलिस नूं सूचित किया। मौके उत्ते पहुंची रावलपिंडी दे SHO उषा राणी ने लाश नूं कब्जे विच लैके पोस्टमार्टम लई भेज दिता। मृतक की पछाण सतपाल सिंह उर्फ पाल वासी मेलियाणा जिला शहीद भगत सिंह नगर वजो हुई है, जो कि पेशे वालों हलवाई का काम करता है। सतपाल के पिंड वाल ने दसिया कि सतपाल कुछ दिन पहला तो ही घरों लापता सी। मेरा नाम सरपंच हरदीप सिंह, पिंड संगतपुर। अच्छा जी, की मामला है सारा, जो व्यक्ति मिले अज कोई मझा गुजर को पराली परूली लैन इतने आए थे खेत के जो तो नहर तो लंघन लगे तो काफ़ी पराली आले दुआले कट्ठी हुई उसके बिच सी है, नहर चलती है उसे रुकया सी। उन्हें फिर मैंने फोन किया कि गुज्जर ने मुंडे ने भी कहिंदा वी इदां इदां करके लाश आ, असी आके फिर देखिया कढ़िया कढ़ के SHO साहब रौल पिंडी उषा राणी आए वो मौके पर हाजिर देख के उन्होंने पासे वाल हस्पताल इन्हों लिजा रहे हैं। पहचान हुई को मौके पता लगा भी कितने हाँ जी ये पिंड इतने नाल मेली आना ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਇਹ ਲੱਗਦੇ ਉਹਦੀ ਸਾਈਡ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਇੱਥੋਂ 2-2.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਹ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਪੈਂਦਾ ਸਾਡਾ ਕੋਟਲੇ ਜਿਵੇਂ। ਅੱਛਾ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਉੱਧਰ ਰੋੜ ਕੇ ਇਹਦੇ ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਉੱਧਰੋਂ ਆ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਪੈਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ, ਦੱਸਦੇ ਹੋ 5-6 ਵੀਰਵਾਰ ਦਾ ਇਹ ਗੁੰਮ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, 5 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਗੁੰਮ ਹੋਏ। 5-6 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਲਾਸ਼ ਦਾ ਫੁੱਲੀ ਵਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਗੱਲਬਾਤ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਆ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਹੁਤ ਆ ਗਏ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ, संगतपुर के सरपंच साहब का कॉल आई थी कि एक जी नहर मेली आने पिंड तो आ रही है इधर संगतपुर वाला, उधर एक लाश जी अणपछाती पई हुई है। असं मौके पर पुजे हाँ तो लाश को जो नहर चो बाहर कढ़िया, पहला तो अनआइडेंटिफाई से बट हूँ पिंड अगले पिंडा के लोगों इतने बुलाया गया जिन्होंने आइडेंटिफाई कर ली है बॉडी। तो यह पाल नाम का व्यक्ति है जोड़ा मेली जड़े पिंड रहा सी, 4 दिन तो मिसिंग है। तो बाकी घरदियों बुला रहे हैं, होर भी जोड़े नियर बाय रेंगे ने, तो उस तो बाद अगली कार्रवाई जी अमल च लिया।